नमस्कार किसान भाई, आप सभी का स्वागत है रजवाड़े फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं कैलाश रजवाड़े और मेरा पता है कुदरियापुरा भड़गांव जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हूं। तो किसान भाइयों, मेरा देख रहा टमाटर 25 जून को ट्रांसप्लांट किया था, आज टोटल 58 दिन है, दो दिन कम 60 दिन कम्प्लीट होने वाला है। तो इसके बीच में क्या क्या खाद चलाया, दवाई चलाया, आप कितने दिन में हार्वेस्टिंग हुआ, इस चीज़ों का पूरी डिटेल से आपको आज बताने वाला हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है ज़रूर, लेकिन इस वीडियो को जब देख लेंगे तो दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप टमाटर की खेती करेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं आपके टमाटर के खेत को दिखाता हूँ। अपने ये दिख रहा है टमाटर का खेत मेरे खुद का है, दूसरे का बाड़ी का नहीं है। मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस बाड़ी का, देख भी सकते हैं। तो इसका फलन कैसा है, आज 58 दिन है, सबसे पहले दिखाता हूँ इसका फलन कैसा है। ग्राफ्टेड टमाटर है और वेराइटी साहो का है। तो चलिए अभी मैं अपने बाड़ी को दिखाता हूँ। ये देखिए किसान भाई, ग्राफेड टमाटर है, 25 जून को ट्रांसप्लांट किया था, आज 21 अगस्त 2023 है। अब देख सकते हैं हर पौधे में कैसा फला है, इधर भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट नहीं फला है। मैं और आगे लेके चलता हूँ। मैं किसान भाई इस वीडियो में ना इसकी जो बेसल डोज होता है से लेकर दवाई रोपाई में क्या क्या दिक्कत हुआ, इन सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। ये देखते जाइए कैसा फला है, ये देखिए हर प्लांट में कैसा फला है, उधर भी देख सकते हैं, अब पक भी गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर इधर भी देखिए और उधर। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताते भी रहूँगा कि बेसल डोज में क्या क्या डाला, आप वीडियो को देखते रहिएगा। इस वीडियो को देख लीजिएगा कंप्लीट, तो अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये देखिए इधर भी कैसा फला है और यहाँ भी। मैं आपको बता दूं किसान भाइयों कि मैं वीडियो अकेले ही शूट करता हूँ, अभी बाड़ी में अकेले ही शूट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई नहीं है अभी कि कैमरा पकड़ सके, मैं सामने आ सकूँ। इधर भी देखिए और यह देखिए, किसान भाई जब आप अपने खेत को तैयारी करते हैं उस समय गहरी जुताई करके गर्मी में 2-3 ट्रॉली प्रति एकड़ गोबर की खाद डालिए, DAP डालिए, SSP डालिए, यूरिया डालिए और पोटास भी डालिए और NPK को डालिए। प्रति एकड़ एक बोरी को सभी को मिलाना, मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद बेड को बनाइए, बेड बनाने के बाद ड्रिप मल्चिंग को बिछाइए। उसके बाद 2-3 दिन पहले जब ट्रांसप्लांट करना होता है पौधे को तो पानी चलाइए उसमें। पानी चलाने के बाद अब उसमें ट्रांसप्लांट कीजिए। ट्रांसप्लांट करने के बाद पौधे के 3 दिन बाद उसमें ह्यूमिक एसिड डालिए प्रति टन की 30 ग्राम। फिर 3 दिन बाद फंगीसाइड को चलाइए, मैं तो चला था UPL का सांप फंगीसाइड, जड़ में दीजिए। फिर इसके 2 दिन बाद ना प्रति टन की 50 ग्राम 19-19 को मैंने ड्रिंचिंग किया। यदि आप ड्रिप से छोड़ना चाहते हैं तो 1 kg प्रति एकड़ छोड़ सकते हैं ड्रिप से 19-19 को। 19-19 जब 3 दिन डालने के 3रा दिन बाद फिर उसमें 12-61 को उसी टाइप प्रति टन की मैंने ड्रिंचिंग किया 50 ग्राम। आप यदि ड्रिप की सुविधा लेना चाहते हैं तो ड्रिप में छोड़ सकते हैं 1 kg। इसके बाद 3-3 दिन के अंतराल में खाद देते रहा और उसके बीच बीच में किसान भाइयों मैं UPL का सांप बताया ना उसको मैं पौधे में स्प्रे करता रहा, कोई फंगस ना आए। और फिर जब पौधा 15 से 20 दिन हो गया तो उसमें सफ़ेद मक्खी के लिए सीटामिप्रेट 20% को स्प्रे करते रहता हूँ मैं। इसलिए करता हूँ कि जब पौधा थोड़ा बड़ा होते जाता है तो उस समय वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा रहता है, तो इससे बचाव अच्छा होता है। अब मेरे पौधा को देख ही सकते हैं कि वाइट फ्लाई का अटैक बहुत कम हुआ है। एसिटामिप्रेट 20% SP था। और इसके बाद फिर जब फूल की अवस्था में आना चालू हुआ तो मैंने उस खाद को बलद दिया, फिर उसमें 0.34 को डालना चालू कर दिया। फिर जब फूल चालू हो गया तो पर हर सप्ताह 2 दिन इस खाद को चलाता रहा। जब आपको ग्रोथ कम दिखे तो फिर आप इसको 19-19 को बीच में डाल सकते हैं। डालने के बाद जब किसान भाइयों पूरा फल बड़ा तैयार हो जाता है, जैसे इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, तो आप तेज़ी से बड़ा करना है तो आप
0050 को डालिए। अब प्रति टंकी इसको जब पौधा बड़ा हो जाता है तो 100 ग्राम प्रति टंकी में इसको 15 लीटर पानी में देकर ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। आप ड्रिप में छोड़ेंगे तो इसको 1.5 kg लीजिए प्रति एकड़ जब पौधा बड़ा हो जाता है तो। और यदि किसान भाई आपको और फास्ट फल को बड़ा करना है तो 13045 और 0050 को मिक्स करके ड्रिप से छोड़ दीजिए। कैसे देखते हैं, देखिएगा कि फल बड़ा होता है और पक भी जाता है जल्दी। और इस प्रकार दोहराते रहिए और वाइट फ्लाई का स्प्रे करते रहिए। ये सबसे खतरनाक बीमारी है, तो मैं फिर दिखाता हूँ। और क्या बोलते हैं, बीच बीच में ना किसान भाई सॉफ्ट के साथ में प्लांटोमाइसिन का मिलाकर, जैसे सॉफ्ट हो गया उसको एक पाउच लेता था और उसके साथ 15 ग्राम प्लांटोमाइसिन लेता था, उसको स्प्रे कर देता था। तो पौधे में जो भी प्लांटोमाइसिन का काम ये है कि जो बैक्टीरिया जनित रोग रहता है उसको दूर करता है और साफ होता है, फंगस को दूर करता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप कोई भी लापरवाही करते हैं वाइट फ्लाई में दवाई मारने के लिए तो आपका पौधा एकदम बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे किसान भैया गलती करते हैं कि जब पौधे लगा चुके होते हैं तो 15 से 20 दिन बाद ही 19-19 को छोड़ते हैं। इसके कारण ही उनका पौधा हैवी नहीं बनता है। और मैं बता दूं किसान भाइयों कि मैं जो प्लांट लगाया हूँ इसमें, तो घास मारने का दवाई का स्प्रे नहीं किया हूँ। बहुत सारे किसान भाई करते हैं तो उसका पत्ता ना जो साइड इफेक्ट होता है तो मुरझा जाता है और टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है पत्ता। तब इस प्रकार की गलती ना करें, करते हैं तो एकदम सटा के मारिए, जमीन की चीज की उड़े मत। और कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट वाला वो हर्बिसाइड ना मारे, घास मारने वाली दवाई। इसमें टमाटर एकदम नाजुक होता है तो उसको तने को और जल्दी क्या बोलते हैं साइड इफेक्ट होता है। और अब देख सकते हैं कितना टमाटर अच्छा है। मैं दिखाता हूँ अभी क्या क्या दवाई चलाया था मैं, दवाई रखा हूँ लाके। जब आपका बीमारी कंट्रोल नहीं होते रहता है वाइट फ्लाई और झुलसा, तो मैं इसके लिए अभी दवाई दिखाता हूँ ला के रखा हूँ मैं दुकान से। मारा नहीं हूँ मैं, 2-3 दिन पहले ही मारा था मैंने एसीटामिन 20% SP का, जो अभी पौधा एकदम हैवी हो गया है। तो मैं सोचा कि थोड़ी ऊँची क्वालिटी का दवाई ले आऊँ, तो मैं दवाई ले आया हूँ। मैं दिखाता हूँ दवाई को अभी, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन अब पूरी डिटेल्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। अभी देखिए किसान भाई, इसको मैंने जड़ में ड्रिंचिंग करता था लगाने के बाद सांप को, UPL कंपनी की। और जब भी स्प्रे करता था पत्ती में भी इसको स्प्रे करता था तो उसके साथ मैं प्लांटोमाइसिन मिला लेता था, प्लांटोमाइसिन। और कभी कभी सांप के साथ ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी मिला लेता था। ये सभी रखा हुआ था तो मैं दिखाने के लिए आपको लाया हूँ। और किसान भाई मैं सफ़ेद मक्खी के लिए शुरुआती से अभी तक चलाया हूँ। ये देखिए एसीटामिन पीरियड 20% SP है वेब किल का, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसका प्राइस था 200 रुपया। और इसको नया नया लाया हूँ अभी, 2-3 दिन हुआ ला के रखा हूँ कस्टोडिया, ये झुलसा के लिए है। और इसको खोला भी नहीं, मैं दिखाता हूँ अभी खोल कर। और ये है मांजो, ये वाइट फ्लाई के लिए है, ये है 750 रुपये के 10 टंकी का मांजो, ये वाइट फ्लाई के लिए ही है। और ये है कस्टोडिया, ये 330 रुपये का है। ये देखिए किसान भाई, इस दवाई को खोला भी नहीं हूँ अभी तक। देखिए इस मांजो को भी आज तक स्प्रे नहीं किया हूँ, आज स्प्रे को स्प्रे करने वाला शाम को सफ़ेद मक्खी के लिए। तभी इसका ढक्कन को लगा देता हूँ मैं, बस इतनी ही दवाई मारा था मैंने और अतिरिक्त तो कोई मारा भी नहीं हूँ मैं। और मेरा टमाटर देख भी सकते हैं कि कैसा है। और अधिकतर ड्रेंच किया था इसको मैंने जड़ में सॉप को, UPL के फंगिसाइड को। ये देख सकते हैं टमाटर कैसा है, हर पौधा फला है। और किसान भाइयों जब फल छेदक कीड़े लगते हैं ना, तो इसके लिए मैं इमामेक्टिन बेंजोइड मारा था। ये देखिए 5% SG, ये है 140 रुपये के 3 टंकी का। आप कोई अन्य दवाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे को ये अच्छा लगता है तो मैं इसी को मारता हूँ, सस्ता भी
और कारगर भी है। इसको पर टंकी 15 ग्राम डालते हैं। 3 टंकी का ये बॉटल है। और फिर मैं चलिए अब फिर मैं आपको अपने खेत को दिखाता हूँ। ये देखिए कैसे कैसा फला है। ये देखिए किसान भाइयों, मैं फिर आपको इधर से दिखाते जा रहा हूँ। इधर देखिए पौधा कैसा फला है प्लांट में। ये देखिए सिर्फ 58 दिन का ही पौधा है। और देखिए कैसा फला है, इधर देख सकते हैं फ्रूटिंग कैसा है। 58 दिन का पौधा है। हर पौधे को देखिए, ऐसा नहीं कि कोई पौधा नहीं फला है। और उधर भी देख सकते हैं, इधर ट्राई ओवर कर चुके हैं। 55 दिन में इसका फर्स्ट हार्वेस्टिंग हुआ था। अब इधर भी देखिए, और देखिए पत्ता कितना स्वस्थ है। इसी कारण है कि मैं सांप को सप्ताह में मारते रहता था। और वाइट फ्लाई को भी देखिए, पत्ता मुड़ा भी नहीं है। यदि किसान भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको अपने खेत से जुड़ी संबंधित वीडियो बनाते रहता हूँ कि आप भी लगाएंगे जब ग्राफ्टेड टमाटर तो आपको लगाने में आसानी होगा और दवाई भी मारने में आसानी होगा। यदि नए नए किसान हैं तो उसके लिए भी दिक्कत होता है कि क्या चलाएं क्या ना चलाएं। यदि वो इस हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं इसको जानकारी उपलब्ध कराते रहता हूँ समय समय पर। टमाटर पकना भी स्टार्ट, सभी जगह पकना स्टार्ट हो गया है। हर प्लांट में पकना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए ऐसा कि नहीं है कि नहीं फला है। ये देखिए पूरी प्लॉट को देखिए, उधर हर पौधे को देखिए। मैं आज आपको पूरी विस्तार से बताया हूँ। इतना तो मैं किसी अभी तक इस वीडियो में पूरा डिटेल से नहीं बताया था। जो भी वीडियो बनाया था उसमें डिटेल नहीं किया था। आज इस वीडियो में पूरी डिटेल कर दिया हूँ। दवाई से लेकर ट्रांसप्लांट से लेकर खाद से लेकर पूरी डिटेल कर दिया हूँ। यदि अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल है 777-292-8403। हाँ बता दो कि आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर यही है। कोई भी जानकारी चाहिए तो देखिए किसान भाई, इस टमाटर का फल कितना बड़ा बड़ा है साइज में। ऐसा नहीं है कि नहीं बड़ा है। इधर भी देखिए कितना बड़ा बड़ा फल लगा है, कितना गुच्छे में है। इधर भी देखिए, यदि अभी तक हमारे चैनल में जुड़े नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। किसान भाइयों, मैं ऐसा यही करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सी जानकारी सीखने को मिला होगा। आप अपनी जो भी खेती करना चाहते हैं, टमाटर बैंगन या कुछ भी खेती, तो मेरे से कुछ जानकारी होगा तो पूछ सकते हैं। और मैं बहुत सारे वीडियो बनाते रहता हूँ इस प्रकार की, जो अपने के खेती का ही है। अन्य खेत में नहीं जा रहा हूँ मैं बनाने के लिए। और टमाटर का तो पूरी सारी जानकारी विस्तारपूर्वक बताया हूँ, लगाने से लेकर दवाई से लेकर और क्या क्या बीमारियाँ थे पूरी विस्तार से बताने की कोशिश किया हूँ मैं आज। हाँ किसान भैया, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।